एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा का तबादला हो गया है। जौलपुर में अब टीके विद्यार्थी नए एसपी होंगे। तबादले के बाद सिद्धार्थ बहुगुणा ने मीडिया कर्मियों से मुलाकात की और अपने बीते हुए कार्यकाल को याद किया। सिद्धार्थ बहुगुणा का कहना है कि जब जौलपुर आए थे उस समय कोरोना काल भी चल रहा था, ऐसे में उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी जो अधीनस्थों और मीडिया के सहयोग से उन्होंने पूरी की। जौलपुर एसपी का कहना है कि उनके कार्यकाल में उन्हें सभी का सहयोग मिला, साथ ही उन्होंने कुछ केस भी सॉल्व किए। आगे भी वह सभी के सहयोग से अच्छा काम करते रहेंगे। जबलपुर संस्कारदानी है, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे काम को रिकॉग्नाइज करते हैं और दिल से इसकी प्रशंसा करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। यहाँ की मीडिया भी इस प्रकार की है, बहुत सपोर्टिव मीडिया है और पुलिस की जो भी कार्यप्रणाली को बहुत अच्छे से समझती है, किन परिस्थितियों में हम काम करते हैं उसको बहुत अच्छे से समझती है और उसी हिसाब से बहुत अच्छे सामंजस्य के साथ चलती है। जहाँ तक मेरे कार्यकाल का विषय है तो निश्चय ही मैं मीडिया बंधु और सबका धन्यवाद दूंगा कि अच्छे से सभी चीज़ें हम संपादित कर पाए। चाहे वो कोरोना काल से शुरू करें तो कोरोना काल में मैंने ज्वाइन किया था और उसमें पीक टाइम पे कोरोना था, तो उस टाइम पे सबसे पहला चैलेंज था अपने फोर्स को ही सुरक्षित रखना। तो क्योंकि जब फोर्स सुरक्षित रहेगा तभी हम आगे ड्यूटी कर पाएंगे, तो वो निश्चय ही मुझे अपने अधीनस्थों से बहुत अच्छा सहयोग मिला। उन्होंने लॉकडाउन को बहुत अच्छे से इन्फोर्स कराया और खुद की भी सुरक्षा की। तत्पश्चात एंटी माफिया जो अभियान था उसमें काफ़ी सहयोग मुझे अधीनस्थों से मिला, जिसमें एक कजिन सुनकर का जो कार्रवाई थी जिसमें कि कार्बाइन भी मिली, उसमें काफ़ी कारतूस भी मिले और करीबन 7 से 7.5 लाख का जुआ भी जो बहुत पहले से जो उनका चलता था उस पर हमने नकेल कसी। फिर एक बड़े भूमाफिया एवं जो हिस्ट्री शीटर भी हैं थाना मुफ्ती के अब्दुल रजाक, उनके विरुद्ध भी जो कार्रवाई थी उसमें भी काफ़ी सहयोग मेरे को अपने अधीनस्थों का मिला। और उस तत्पश्चात जो भी मेजर क्राइम हुआ, चाहे वो गोरा बाजार की बड़ी घटना थी, चाहे वो लॉर्डगंज की बड़ी नकबजनी थी, चाहे वो थाना तिलवारा का मेकला रिजॉर्ट का वो एक हत्याकांड था, सभी बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियां थी। त्यौहार जितने भी थे बहुत अच्छे से सभी गणमान्य नागरिकों से अच्छा सामंजस्य बिठाकर संवाद करके बहुत अच्छे से हम लोग कर पाए, इसके लिए मैं शुक्रगुजार भी हूँ और बहुत अच्छी यादें यहाँ से हम लेके जा रहे हैं। और अच्छा, और आशा है कि जौलपुर के सभी हमारे पत्रकार बंधु हैं सबसे अपना संपर्क भी आगे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपराधों के ट्रेंड की अगर बात करें तो किस तरह से ट्रेंड अपराधों का चेंज हुआ है, क्या मानते हैं? ये है कि जो गुंडागर्दी जो होती थी, जो लिस्टेड गुंडे थे, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा अपराध थे जिनकी दहशत थी, उस पर हम अपने कार्यकाल में करीबन 150 से 200 हमने NSA किए, जिसका हमें थोड़ा ग्राउंड पे हमको एक रिज़ल्ट मिला। अभी जो अपराध होता है वो आकस्मिक रूप से या फिर कोई रंजिश को लेकर के ज़रूर जो अपराध होते हैं, लेकिन कोई गैंग जिसमें कि कोई गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को धमका के फिर या तो क्राइम करते हैं, उसमें मुझे लगा चेंज आया है, उसमें इस तरह के क्राइम जो है अब नहीं हुए। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं, उन्होंने अपना पूरा सर्विस जो है दिया है, पूरा एफर्ट दिया है, जिसके फलस्वरूप हम जो भी कुछ कर पाए उन्हीं की बदौलत। सर, इसमें एक बड़ी उपलब्धि आपकी चाइना शस्त्रों को लेकर। जी 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 जी, उसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो चाइना चाकू जैसे जो कुछ चीज़ें थी जो कि ऑनलाइन ऑर्डर हो जाती थी और जिसका फिर यूज़ जो है आकस्मिक झगड़े में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में होता था, तो हमने संबंधित जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो डिलीवरी की जो एजेंसी है उससे समन्वय स्थापित करके उसको यहाँ रुकवाया और जितने भी वो पहले वितरित कर चुके थे उनको हमने जमा करवाया। इसमें विशेष रूप से हमारे कासवानी साहब जो पहले रहे थे उनकी अच्छी भूमिका थी, उन्होंने अच्छा मॉनिटर किया था उसको। जी, इसमें ये सुनिश्चित किया है कि कराया गया समन्वय करके कि जबलपुर में एटलीस्ट इसकी डिलीवरी ना हो। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।